पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं, लोकतंत्र है, यात्रा में तो अधिकार सबको है, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है? जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है और बिहार में बह रही है, और तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार। मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, जो दिन रात नीतीश कुमार के बारे में बखान करने में ही लगे रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती मनाई गई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। यह जयंती मनाई गई उसमें उपस्थित विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जबरदस्त निशाना साधा है। सीधे तौर पर मुकेश सहनी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि 19 साल हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार संभालते हुए, अब वो बूढ़े हो गए हैं और उनको याददाश्त भी उनका कमज़ोर हो गया, इस पर बड़ा बयान देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बड़ा बयान देते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, पहले आप ये बयान सुने। यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? सभी पार्टी के लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं, लोकतंत्र है, यात्रा में तो अधिकार सबको है, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है? जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो देश में बह रही है और बिहार में बह रही है, और तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, जनता उसको स्वीकार करेगी। यात्रा कोई कर ले उससे क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष के लोग जो है सवाल खड़ा कर दिया गया, 19 साल से बिहार चला रहे, बूढ़े हो गए। देखिए, मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, जो दिन रात नीतीश कुमार के बारे में बखान करने में ही लगे रहते थे, इसलिए उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए और राजनीति में इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर कहा कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, यह अमर्यादित बयान है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ उनके कार्यकाल में काम कर चुके हैं और उन पर इस तरह का बयानबाजी सही नहीं है, और वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार को कभी उनके विकास के काम को हमेशा बखान करते रहते थे, गुणानुवाद करते रहते थे, लेकिन अब वही व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है, इस तरह का नसीहत भी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके यात्रा पर बयान दिया है मुकेश सहनी के, कि कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टी को हक है कि वो यात्रा करे, क्योंकि कोई भी यात्रा, चूँकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और सभी पार्टी यात्रा के लिए निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, झूठे झूठे अपने वादे करेंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार का विकास काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री भागीरथी प्रयास किए हैं और देश में विकास के गंगा को बहाने का एक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लोग जो हैं सिर्फ बिहार को ठगने का काम किए हैं और जनता फिर पटकनियां देगी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और वोट उसी को करेगी जो बिहार के विकास में कार्यरत रहे हैं और काम किए हैं, उनके विकास को गति देने का काम किए हैं, उनको विकास जनता चुनेगी, इस तरह का आप बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहते नजर आए, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।